दोस्तों, अगर आप भी हाल फिलहाल में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपके काम का नेचर ऐसा है कि आपको अधिकतर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वर्क फ्रॉम होम में होने वाले एक सबसे बड़े चैलेंज को मैंने एड्रेस किया है। वर्क फ्रॉम होम में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो अधिकतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आता है, जहाँ पर हमें एक प्रोफेशनल वीडियो कॉल लेनी होती है और कई बार हमारा बैकग्राउंड प्रोफेशनल कॉल के हिसाब से सूटेबल नहीं होता, तो हम अपने घर में ऐसा कॉर्नर ढूंढते हैं जहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक लगे। लेकिन अगर आप जूम यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या इंटरव्यू देने या लेने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा फीचर जूम के अंदर आता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जहां पर आप अपना बैकग्राउंड यानी कि जो पीछे का व्यू है वो चेंज कर सकते हैं। उसमें आप आर्टिफिशियल व्यू रख सकते हैं या कोई भी वीडियो या इमेज जो आप चाहते हैं रहे वो आप दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जूम का क्लाइंट आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर होना चाहिए। यहाँ पर आप रिसोर्स में जाकर जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, जूम क्लाइंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जूम क्लाइंट मैंडेटरी है इस फीचर के लिए। जब आप जूम क्लाइंट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो सेटिंग्स में आप जाइएगा। सेटिंग्स में जा करके आप वर्चुअल बैकग्राउंड पर क्लिक कर सकते हैं। वर्चुअल बैकग्राउंड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इन्होंने नन ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। नन ऑप्शन सेलेक्ट होने की वजह से यहाँ पर एक्चुअल में रियल इमेज दिखती है, बट आप कोई दूसरा बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है ड्यूरिंग कॉल। साथ ही साथ आप वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक वीडियो को सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी कोई भी इमेज या वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी चॉइस का आपके डेस्कटॉप से हो। यहाँ पे आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आएगा जो आपको ऑप्शन देगा आपके चॉइस का ऑडियो, आपके चॉइस का इमेज या वीडियो सेलेक्ट करने का। इसके अलावा आप ड्यूरिंग कॉल भी इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये अभी कॉल चल रही है, कॉल कनेक्ट होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद वीडियो साइन के साथ ही जो एरो सिंबल है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप वर्चुअल बैकग्राउंड, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये वापस से आपको उसी विंडो पर ले जाएगा जहाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने जाकर के अपना वर्चुअल बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर जाकर आप ड्यूरिंग द कॉल यानी कॉल के बिटवीन भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये बैकग्राउंड अब सेलेक्ट किया है और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से ड्यूरिंग वीडियो कॉल ये बैकग्राउंड इस तरीके से विजिबल रहेगा। यहाँ पर जूम में जो एक तरीके से इफेक्ट यूज़ किया है उसे क्रोम की इफेक्ट कहते हैं, और ये VFX इफेक्ट जो होता है काफ़ी मूवीज़ में भी यूज़ होता है, जहाँ जैसे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट भी बोला जाता है, जिसके द्वारा आप अपना एक्चुअल बैकग्राउंड जो है उसे हाइड करके कोई भी इमेज या वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो कि वर्क फ्रॉम होम में जूम जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी हैंडी फीचर है उन लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।